अस्सलाम वालेकुम। मैं आज चिकन छोले का पुलाव बना रही हूँ। इसके लिए मुझे इंग्रेडिएंट्स जो ज़रूर चाहिए वो चिकन है। मैं ये 2 पर्सन्स के लिए बना रही हूँ। क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं अपने पर्सन्स के लिहाज से। और आधी प्याली में बॉइल्ड छोले ले रही हूँ, टिन के हैं। और ये चिकन है, 5 बोटियाँ हैं। और एक प्याज चाहिए होगी मुझे, एक टमाटर, और 4 जवे लहसुन के, और थोड़ा सा अदरक, और 1 कप चावल। ये मैं क्वांटिटी आपको जो बता रही हूँ वो एक कप चावल के बता रही हूँ, और 2 पर्सन्स के लिए बता रही हूँ। और जो गरम मसाला है वो जब शुरू करेंगे बनाना तो बता दूँगी कि क्या ऐड करना है। चलें तो फिर शुरू करते हैं। पैन को मैंने धो दिया है, सादा पानी से अच्छे से धो लिया। टू टेबल स्पून इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। अदरक लहसुन और प्याज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। चिकन भी इसके साथ ऐड कर लें। प्याज, चिकन, अदरक लहसुन अच्छे से प्याज को और चिकन को गोल्डन कर लें। 1/2 टीस्पून सफ़ेद जीरा डालें, 1/2 टीस्पून ये साबुत धनिया है, अगर ये आपको पसंद है तो ये ऐड कर सकते हैं, वरना ये पीसी हुई भी डाल सकते हैं आप। 1/2 टीस्पून ये ब्लैक पेपर साबुत, 6 से 7 दाने ये ऐड कर दें। ज़ीरा, साबुत धनिया, अब पिसी हुई लाल मिर्च डालें 1/2 टीस्पून। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून पिसी हुई धनिया, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, बिल्कुल 1/2 टीस्पून। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके मिक्स करें अच्छे से चिकन में। हाफ प्याली, आधी प्याली छोले की डाल दें। एक तेज पात डाल दें और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें ताकि छोलों में भी सारे मसाले का टेस्ट आ जाए अच्छे से। 1 टेबल स्पून इसमें दही डालें, मिक्स करें अच्छे से मसाला। दही इसमें बिल्कुल अच्छे से जज़ब हो गया है और मसाला एक जान हो गया है। अब इसमें मैं टमाटर डालने लगी, 1 टमाटर डाल दें इसमें। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करके
हल्की आँच कर दें, बिल्कुल हल्की। आधी प्याली इसमें पानी की डाल दें ताकि टमाटर भी गल जाए और मसाला ना जले, ठीक है। और इसे 5 मिनट के लिए हल्की आँच पे रख दें गलने के लिए, ताकि चिकन भी गल जाए, टमाटर भी मिक्स हो जाए 5 मिनट के बाद में। 5 मिनट गुजर चुके हैं, अब मैं इसको देखूँ। ये मसाला तकरीबन गल चुका है, टमाटर भी इसमें गर्म हो गए हैं। अब थोड़ा टमाटर को अच्छे से इसमें इसमें 10 से 12 कड़ी पत्ते हैं, सूखा है मेरे पास कड़ी पत्ता सूखा हुआ है, वो इसमें डालिए। आपके पास अगर धनिया प्याज धनिया और पुदीना है तो वो डाल दीजिए। एक हरी मिर्च भी डाल दें। मसाला हमारा बन गया है, अब इसमें चावल ऐड कर लीजिए। अब इसमें मैं चावल ऐड करने लगी हूँ, 1 कप चावल है। एक कप चावल है और मैंने इसे चावलों को आधा घंटा भिगो के रखा था। बॉयल होना शुरू हो गए हैं चावल। नमक मिर्च टेस्ट कर लें। नमक थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे। थोड़ा सा सॉल्ट मुझे कम लग रहा है, बस सही। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखी हो। थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा इसमें ऐड कर दें। पानी अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है, अब मैं इसको दम पे लगा रही हूँ। 10 मिनट इसे दम पे रखिएगा। हल्का सा इसमें पानी है, मगर मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा है, दम आ चुका है इनको। अब खोल के देखते हैं। ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं, 10 मिनट लगे हैं दम को।